नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि समस्या है तो समाधान भी होगा। आज हम बात करेंगे नए अतिथि शिक्षक के आवेदन से संबंधित समस्या पर। यदि आप अतिथि शिक्षक से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नए अतिथि शिक्षक के आवेदन की जो प्रक्रिया है वह 21 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है, किंतु हम जैसे ही नए अतिथि शिक्षक के किसी विद्यालय में आवेदन करने जाते हैं तो उनसे कह दिया जाता है क्या अभी आवेदन करने की जो प्रोसेस है वह प्रारंभ नहीं हुई है, या तो उनके आवेदन नहीं लेते हैं या फिर कह देते हैं किसी न किसी भिन्न कारण से आवेदन को वापस आना पड़ता है लौटकर, आवेदन लेकर साथ वापस आना पड़ता है लौटकर। तो ऐसी स्थिति में नए अतिथि शिक्षक क्या करें, क्योंकि खर्चा लगता है, आने जाने का समय बर्बाद होता है और फिर आवेदन भी नहीं जमा होता, तब इस स्थिति में क्या करें। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप जो आपको अतिथि शिक्षक आवेदन का फॉर्म है उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिए। फोटोकॉपी साथ में लेकर चल जाइए, या फिर यदि आप मोबाइल एंड्रॉयड चलाते हैं तो मोबाइल भी मैं डाउनलोड कर लीजिए। और मैं तो समझता हूँ कि आप उसे डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा लीजिए। और जब भी कोई ऐसा कहता है तो सबसे पहले उनसे विनम्रता पूर्वक बात करिए, उनसे बताइएगा कि सर हम आप चाहें तो ये आदेश देख सकते हैं 21 जुलाई का, इसमें स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं। और इसके बाद भी यदि वो मना करते हैं फिर से दोबारा विनम्र अनुरोध करिए, इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो आप उनसे कहिए कि श्रीमान जी हमें आप लिखित में आदेश दे दीजिए। कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे कोई भी हो, यदि वास्तविकता में भी ऐसा होगा कि आवेदन नहीं होना है तब भी वो लिखित में देने से 3 या 4 बार सोचेगा। पर ये तो 21 तारीख से आवेदन होना ही प्रारंभ हो चुके हैं तो किसी कीमत में वो लिखित में नहीं देंगे। तब इस स्थिति में करिए, सबसे पहले तो उनसे विनम्र अनुरोध करिए, आदेश दिखाइए। और इतना यदि आप करेंगे तो आप स्वाभाविक तौर पर जैसे वो आदेश देखेंगे तो आपका आवेदन जमा कर लेंगे। फिर भी यदि नहीं करते हैं तो लास्ट ऑप्शन है कि उनसे आप लिखित में मांगिए, लिखित में नहीं देते हैं तो आप हो सके तो वीडियो बना लीजिए और उसे प्रूफ के तौर पर रख लीजिए। नमस्कार मित्रों।